लोकसभा चुनाव के लिए जबलपुर संसदीय सीट के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन पत्र प्राप्त करने और जमा करने के लिए जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी छवि भरद्वाज स्वयं उपस्थित थी। हालांकि मंगलवार को कोई भी नामांकन जमा नहीं हुआ। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भरद्वाज ने बताया कि नामांकन भरते वक्त अभ्यर्थी कोई गलती न कर सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक पुस्तिका भी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराई है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है, जिससे प्रत्याशी किसी भी तरह से गलती न कर सके, उसका नामांकन पत्र निरस्त न हो सके। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी की वजह से अब मतदान 2 घंटे से ज्यादा होगा। सुबह मतदान 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चले, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का उपयोग कर सके। जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भरद्वाज ने इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक भी ली और सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी निर्देश दिए। और प्रत्येक कैंडिडेट के साथ कैंडिडेट को मिला के कुल 5 व्यक्ति नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए आ सकते हैं। नॉमिनेशन के संबंध में काफ़ी डिटेल ट्रेनिंग कल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को दी गई, जिसमें फॉर्म 2A जो कि नॉमिनेशन पेपर है वो कैसे भरा जाना है, उसमें क्या नए संशोधन किए गए हैं, जो नई जानकारियाँ जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी एक बार देना अनिवार्य रहेगा, उसके बारे में भी कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिटाइज किया गया है। इसके साथ ही एफिडेविट में जो कॉमन त्रुटियाँ कई बार कर दी जाती हैं, जिनके कारण स्क्रूटनी के समय पर नॉमिनेशन पेपर के रिजेक्ट होने की स्थिति बनती है, वो कॉमन एरर्स भी उनको बताए गए हैं। एक छोटी सी जो हमने जिला स्तर पर बुकलेट तैयार की थी, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने नॉमिनेशन पेपर भरने के स्टेप्स बताए हैं, एफिडेविट को कैसे भरा जाना है ये बताया है, कौन सा दस्तावेज किस समय पर जमा किया जा सकता है, उसकी अंतिम समय सीमा क्या है, इसको भी क्लैरिफाई किया है।